दूसरा है बोनस टू शेयर होल्डर। तो दिस टू अकाउंट्स आर टू बी क्लोज इंटरचेंजेबली। ये दोनों अकाउंट हमें क्लोज करने हैं। कैसे होंगे? बोनस टू शेयर होल्डर स्टेबली एंड इक्विटी शेयर बाय द कॉल क्रेडिट। सो राइट डाउन थर्ड एंट्री। सो थर्ड एंट्री इज बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज। टू इक्विटी शेयर हायर कॉल अकाउंट क्रेडिट 2 लाख रुपीज। राइट मेडिसन बी बोनस इज डिक्लेयर्ड टू मेक पार्टली पेड अप सेल्स एज फुली पेड अप। चलो पार्टली पेड अप सेल्स को हमने फुली पे कर दिया, राइट? नाउ रीड योर फर्स्ट पैराग्राफ। से हियर गिवन दैट शेयर प्रीमियम एंड कैपिटल रिजर्व आर यूज टू इश्यू फुली पेड अप इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हैव। चलो 5 शेयर में 3 शेयर फुली पेड अप एज अ बोनस देने। तो नाउ सी 8,000 शेयर्स हमारे पास है इंटू 3 डिवाइड बाई 5। तो 4,800 शेयर्स आर टू बी गिवन एज बोनस। ईच शेयर इज ऑफ रुपीज 100 ईच। सो नेसेसरी अमाउंट टू डिक्लेयर बोनस विल बी 4,80,000 रुपीज। तो 4,80,000 इज टू बी प्रोवाइडेड फ्रॉम शेयर प्रीमियम एंड कैपिटल रिजर्व। सी वी हैव शेयर प्रीमियम 150 एंड कैपिटल रिजर्व 330। टोटल ऑफ दिस टू इज 480। रिक्वायर्ड अमाउंट इज ऑल्सो 480। सो राइट डाउन 4th एंट्री कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट 3,30,000 then security premium account debit 1,50,000 to bonus to share holders account credit 4,80,000. तो नाउ सी ये 4,80,000 इज प्रोवाइडेड फ्रॉम कैपिटल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। सो राइट हियर नेरेशन बी नेसेसरी अमाउंट टू डिक्लेयर फुली पेड अप बोनस सेल्स इज प्रोवाइडेड। चलो नेसेसरी अमाउंट हमारा प्रोवाइड हो गया। नाउ और लास्ट एंट्री। तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट इज टू बी क्लोज एंड इट इज टू बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल बिकॉज सी बाय डिक्लेयरिंग बोनस और शेयर कैपिटल इज इंक्रीज। तो ये अमाउंट हमें ट्रांसफर करनी है शेयर कैपिटल अकाउंट। तो गिव लास्ट एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट
Thank you.